मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसमें जब आपने मार्च में ये सब मोशन हुआ उस वक्त, तो काफी हंगामा हुआ था सिटी ऑफ न्यू वेस्ट में। तो वो हंगामा काफी आई थिंक अनकंफर्टेबल हो गया था दोनों साइड्स के लिए। तो उससे आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंडियन भाईचारा है उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? दो फिरके बने हैं या फिर एक नॉर्मल डिबेट थी और ओवर हो गई? देखिए, ऐसा कि इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि जैसे इंडिया में भी डिबेट चल रही है ये को लेके या कई मुद्दों को लेके, तो सोसाइटी में डिबेट होना एक हेल्थी चीज है, वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डिबेट को दबाना या एक पक्ष को ज्यादा मतलब हल्लाशेरी देना, दूसरे की आवाज बंद कर देना, वो दिक्कत होती है। डिबेट से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यू वेस्ट में जो हुआ था उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों ग्रुप वहां पे आए थे, टेंशन वाला माहौल था और टेंशन हुई भी वहां पे। लेकिन मेरे साथ जो वहां पे हुआ, जो मुझे एक सीधे तौर पे गद्दार कहा गया, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मैं काम करता हूँ, उनको ये बताने की कोशिश की कि गद्दार बिठा रखा है आपने अपने स्टेशन पे, तो उससे कुड़तन एक पैदा हुई। लेकिन सिर्फ वो बात सिर्फ थी जो शब्दों तक ही रही। लेकिन कुल मिला के आखिर में हर एक को मौका दिया गया। यूएस मिनिस्टर की तरफ से दोनों पक्ष के लोगों ने अपना अपना केस वहां पे रखा। आखिर में जाके 5-1 के फर्क के साथ वो जो है रेजोल्यूशन पास हो गया। मेजोरिटी मतलब यूनानिमेटली पास नहीं हुआ, मेजोरिटी के साथ हुआ, 5-1। उसमें 5-1 में भी एक जो सिटी काउंसिल जो इंडियन ओरिजिन की है, चीनू दास, ही रिमेंड एबसेंट। ठीक है, तो ओके, फिर सिर्फ 5-1 के फर्क से वो तो पास हो 5-0 गया। होना चाहिए था अगर शी रिमेंड एब्सेंट। नहीं, दो दो थे ना, मतलब अच्छा जो 5 थे इसके हक में थे, दो अच्छा अच्छा थे उसमें से एक गैरहाजिर थी, एक वहां पे था जिसने उसका विरोध किया, तो ऐसे हुआ। तो ओके इस तरह से मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, डिबेट में हमें कोई इतराज नहीं है। डिबेट तो चलती रहनी चाहिए, हमारे तो अपने संस्कारों में है। समुद्र मंथन की बात चलती है, उस मंथन की कहानी तो यही है ना कि दोनों तरफ से संवाद हुआ, तो जो संवाद होगा उसमें से कोई बेहतर चीज निकलेगी, उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा। हम इसी तरह से हमारी कम्युनिटी जो है शुरू से लेकर अभी तक डिवाइडेड रही है, या ये कह लीजिए उसमें भी डाइवर्स व्यूज रहे हैं लोगों के। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। इवन जैसे जिसकी मैं कामाघाटा मारू की आपको बात कर रहा था, जब कामाघाटा मारू जहां से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी नस्लवाद के खिलाफ, एक वो लोग भी थे जो सरकार के साथ खड़े थे, तो वो कहानी तो आज भी है। तो डाइवर्स जो डिविजन उस किस्म की या डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। आई होप मैं आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।